हेलो स्टूडेंट्स, अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह राजावत और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास सेवन्थ एकलव्य बैच का लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 7 में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने शुरू के 6 लेक्चर्स को नहीं देखा है तो पहले उन लेक्चर्स को जाके देखिए, तभी आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आएगा। स्पेशली इससे पहले के 2 लेक्चर्स को आप जरूर देख लीजिए, जिसके अंदर हमने एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन वाले टॉपिक को कवर किया है। इस वाले लेक्चर के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स है, किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स पूछी जा सकती है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी हम करेंगे, जिसमें क्वेश्चंस को क्या होगा, वर्ड फॉर्मेट में लिखा हुआ होगा, उसको हमें पहले समझना पड़ेगा और उसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी इक्वेशंस वगैरह बना के उसको आगे सोल्व करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो आज का लेक्चर है वो है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब हमारे को देखो, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए 6 क्वेश्चंस लिखे हैं, इन 6 क्वेश्चंस को हम सोल्व करके देखते हैं कि भाई इनको कैसे करेंगे। तो यहाँ आप लोग नोटिस कर पा रहे होंगे, देखो इस वाले क्वेश्चन में एडिशन भी आ गया और सब्ट्रैक्शन भी आ गया, मतलब दोनों एक साथ आ गए हैं। तो हमें क्या करना होगा, जैसे हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन नॉर्मली करते थे वैसे ही हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करते थे हम लोग, सभी डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना होता है। तो यहाँ पे देखो 3, 6 और 9, इनका जब एलसीएम लोगे तो वो एलसीएम निकल के आएगा 18। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या लिया, एलसीएम ले लिया। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी हम क्या करते थे, स्टार्टिंग इसी तरीके से करते थे, बस यहाँ एक्स्ट्रा क्या हुआ है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों एक साथ आ चुके हैं, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम लोग जैसे स्टार्टिंग करते हैं वैसे ही हम लोग करना स्टार्ट करते हैं, आगे आगे चीज़ें अपने आप समझ में आती रहेगी। तो देखो अब क्या करते हैं, ये जो एलसीएम है इसको हमें डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होता है। डिनोमिनेटर कितना है, यहाँ 3 है, यानी 18 को 3 से डिवाइड करो, कितने टाइम होगा, 3, 6 जा 18, यानी 6 टाइम डिवाइड हो गया। और जो भी रिजल्ट आया यानी 6 आया, उसको न्यूमिनेटर से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो जो 6 आया उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा। इस 12 को हमें कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। यही प्रोसेस हमें क्या करना है, सभी डिनोमिनेटर्स के साथ अप्लाई करनी है। तो अब यहाँ बीच में प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। फिर 18 में 6 से डिवाइड करोगे कितने टाइम होगा, 3 टाइम डिवाइड होगा। फिर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। अब बीच में माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। फिर इस 18 में 9 से डिवाइड करोगे तो 2 टाइम होगा। फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर आप लोगों ने एक रूल पढ़ा होगा, वी बोर्ड मास। बोर्ड मास एक रूल है जिसके अंदर क्या करते हैं, अगर एक ही क्वेश्चन में हमारे को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ब्रैकेट सब गिवन हो तो हम लोग क्या करते हैं, इस रूल के थ्रू उस क्वेश्चन को क्या करने की, सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या होगा, सबसे पहले हमारे को, चलो वी को अभी के लिए छोड़ दो, मैं काम करूंगा आप लोगों के लिए एक अलग से एक लेक्चर बना दूंगा इसी सीरीज में, जिसके अंदर क्या होगा, हम लोग बोर्ड मार्क्स के ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किसके ऊपर, फ्रैक्शन से रिलेटेड, तो वो हम लोग एक अलग से लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो देखो अभी बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ या फिर ऑर्डर, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, तो यहाँ पे 3 तरीके के ब्रैकेट होते हैं। उसके बाद में डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और एस यानी सब्ट्रैक्शन। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो इसमें क्या होता है, प्रायोरिटी जो किसकी रखनी है वो यहाँ से इधर चलेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हमारे को ब्रैकेट्स को प्रायोरिटी देनी है, उसके बाद में ऑफ या ऑर्डर, उसके बाद में डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो अब यहाँ हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक एडिशन है और सब्ट्रैक्शन। एक चीज़ और ध्यान रखना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में से आप लोग किसी को भी पहले कर सकते हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो देखो 12 और 15 है, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 27 माइनस 2 डिवाइड बाय 18। जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 25 डिवाइड बाय 18। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आप चाहो तो इसको मिक्स्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो मिक्स्ड में कैसे कन्वर्ट करोगे, 25 में क्या करना है, 18 से डिवाइड करोगे, 1 टाइम डिवाइड होगा, माइनस करोगे 7 आएगा। अब आगे फर्दर हम इसको क्या नहीं कर सकते, सोल्व नहीं कर सकते। तो जो भी क्वेश्चन आया है उसको तो हमें यहाँ लिखना है, जो रिमाइंडर बचा है उसको यहाँ लिखना है, और जो भी डिवाइजर था जिससे हमने डिवाइड किया था वो नीचे आ जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 1 and 7 by 18। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब मैं यहाँ पे आप लोगों को ये पांचों क्वेश्चंस भी खुद सोल्व करके बता रहा हूँ, तो अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आई है तो कोशिश करना कि इसमें समझने की कोशिश करो यहाँ क्या हुआ। तो देखो एक बार एक काम करते हैं, इसको रीचेक कर लेते हैं कि कुछ गलती नहीं होनी चाहिए। 18 एलसीएम आया, 18 के अंदर हमने 3 से क्या किया, डिवाइड किया, 6 टाइम होगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12 आएगा, फिर 18 में 6 से डिवाइड किया 3 टाइम हुआ, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15 आया, 9 से डिवाइड करेंगे 18 में 2 टाइम होगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 12 और 15 को जब ऐड करोगे तो 27 आएगा, माइनस 2 करोगे 25 आएगा, नीचे 18 चल ही रहा है, और जब इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर दोगे तो कितना आ जाएगा 1/7/18। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल रिजल्ट हो गया, यानी ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन हो गई होगी। अब यहाँ देखो इसको क्या करें, तो पहले बात तो यहाँ ओनली 8 गिवन है, तो 8 को सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, नीचे 1 लगा के पी वाई क्यू की मतलब फ्रैक्शंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया हमने। फिर यहाँ पे ये दोनों क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन है तो सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो ये 8/1 तो ऐसे कैसे चलेगा, बीच में माइनस है, तो इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2 4 8, उसमें इसको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको ऐड करना है, 2 4 8 1 कितना होगा, 9 होगा, तो कितना हो गया 9, और नीचे डिनोमिनेटर में 2 था तो वो 2 आ जाएगा, फिर बीच में माइनस है तो माइनस, 4 2 8 8 + 1 कितना होगा 9, तो ये भी कितना हो गया, ये हो गया 9/4। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब अगले स्टेप में हमें क्या लेना होता है, एलसीएम लेना होता है 1 2 और 4, जब इन तीनों का आप एलसीएम लोगे तो वो क्या आएगा, 4 निकल के आएगा, ठीक है। अब 4 में 1 से डिवाइड करोगे कितने टाइम होगा, 4 टाइम डिवाइड होगा, इस 4 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 32 आएगा, बीच में माइनस है तो माइनस आ गया, इस 4 में इस 2 से डिवाइड करोगे तो 2 टाइम होगा, इस 2 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 18 आएगा, बीच में माइनस है तो माइनस आ गया, फिर इस 4 में इस 4 से डिवाइड करोगे 1 टाइम होगा, 1 को ऊपर न्यूमरेटर यानी 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। अब यहाँ पे देखो 2 माइनस है, तो आप लोग पहले इसको सोल्व कर सकते हो, उसके बाद में से इसको सोल्व कर सकते हो, तो 32 में से जब 18 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 14 बचेगा, और माइनस 9 डिवाइड बाय 4, और 14 में से जब क्या करोगे 9 माइनस करोगे तो 5 बचेगा और डिवाइड बाय 4। अब इसको आप लोग वापस से किस में कन्वर्ट कर सकते हो, मिक्स्ड में, क्योंकि ये इम्प्रॉपर में, तो 4 से डिवाइड करो 5 को, 1 टाइम डिवाइड होगा, रिमाइंडर 1 बच जाएगा, वो ऊपर आ जाएगा, और जिससे डिवाइड किया वो नीचे आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आगे के तीनों क्वेश्चन है, इनको भी हम सोल्व करके देखते हैं। तो देखो सबसे पहले इसके नीचे 1 लगा लेते हैं हम लोग, फिर आगे क्या करेंगे, ये मिक्स्ड में गिवन है, इनको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये तो 2/1 ऐसे कैसे आएगा, बीच में प्लस है तो प्लस, 10 5 जा 50 50, और 7 कितना हो जाएगा, 57, और नीचे डिनोमिनेटर में 10 चलेगा, बीच में माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 15 3 जा 45 45, में जब हम लोग क्या करेंगे 14 ऐड करेंगे तो आएगा 59 डिवाइड बाय 15। उसके बाद में एलसीएम लेना है, तो जब आप 1 10 और 15 का एलसीएम लेके देखोगे तो आपको मिलेगा 30, तो आप लोग खुद निकाल के देख लेना एलसीएम, आप लोगों को एलसीएम निकालना आता होगा मैं ये मान के चल रहा हूँ, अगर नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसके लिए भी एक आप लोगों के लिए एक अलग से लेक्चर बना दूंगा। तो देखिए 30 के अंदर 1 से डिवाइड करेंगे 30 टाइम होगा, क्योंकि 1 की टेबल जब 30 टाइम्स बोलेंगे हम लोग तब जाके हमारे को 30 मिलेगा, फिर उस 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 60 आएगा, बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा, इस 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम होगा, और 3 को जब 57 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करें, देखो पहले 50 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लो तो वो कितना आएगा, 150, फिर 7 को 3 टाइम करोगे तो 21, और 150 और 21 कितना हो जाएगा, 171। आप लोग प्रॉपर तरीके से अलग से करके देख सकते हो, यही रिजल्ट आएगा। फिर बीच में माइनस है तो माइनस आ गया, इस 30 को क्या करना है, 15 से डिवाइड करना है, 2 टाइम डिवाइड होगा, 2 को क्या करना है, 59 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 50 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 100 आएगा, और उसके बाद में 9 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 18 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 118। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर इन दोनों को पहले ऐड कर लो, फिर उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो देखो इन दोनों को ऐड करते हैं, 171 और डिवाइड बाई 60 मतलब प्लस 60, 1 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा, और इसमें से अब क्या करना है, 118 को माइनस करना है, तो देखो क्या बनेगा, यहाँ से एक बोरो करेंगे तो 11 हो गया, 11 माइनस 8 करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, यहाँ 2 बच गया, 2 माइनस 1 कितना होगा, 1 होगा, यहाँ 2 बचा हुआ है, 2 माइनस 1 कितना होगा, 1 होगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आप लोग चाहो तो पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर उसमें क्या कर दो, 60 ऐड कर दो, देखो मैं आप लोगों को करके बता देता हूँ, उससे भी यही रिजल्ट आएगा, 171, इसमें से 118 माइनस करना,
11 माइनस 8 करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, यहाँ पे 6 बच गया, 6 माइनस 1 करोगे तो 5 आएगा और यहाँ पे 1 माइनस 1 0 आएगा। फिर जब 60 में क्या करोगे, 53 ऐड करोगे तो ये तो 0 और 3 क्या हो गया, 3 हो गया, और 6 और 1 कितना हो गया, 6 और 5 कितना हो गया, 1, 11 हो गया। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो ऊपर हमारे पास जो न्यूमरेटर बना है वो कितना बना है, 113 और डिवाइड बाय 30। अब इसको आगे क्या कर सकते हैं, हम लोग मिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि इम्प्रॉपर में है। तो जब इसको डिवाइड करोगे तो कितने टाइम डिवाइड होगा, देखो 3 टाइम में 90 होगा, 4 टाइम में 120 हो जाएगा जो कि ज़्यादा हो गया, तो हम बोलेंगे 3 टाइम डिवाइड हुआ। बाकी रिमेनिंग कितना बच गया हमारे पास, 23 बच गया रिमाइंडर, वो ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन ये रहा है, इसको भी हम क्या करते हैं, सोल्व करके देखते हैं। तो देखो सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट करते हैं मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में। 6 8 जा 48 प्लस 5 करोगे तो कितना आएगा, 53 डिवाइड बाय 6, बीच में माइनस है तो माइनस आएगा। 8 3 जा 24 और 3 कितना होगा, 27 डिवाइड बाय 8, बीच में प्लस है तो प्लस। 12 2 जा 24 में जब 7 ऐड करोगे तो वो कितना आएगा, 31 डिवाइड बाय 12। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एक बार वापस से कन्वर्ट करके मैं बता देता हूँ, 6 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 48 होगा, 48 में जब 5 ऐड करोगे तो 53 आएगा, नीचे डिनोमिनेटर में 6 ऐसे कैसे आ जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस आया। 8 3 जा कितना होगा 24 में जब 3 को ऐड करोगे तो 27 आएगा, डिनोमिनेटर में 8 ऐसे कैसे आ जाएगा, बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा। 12 2 जा 24 हो गया, 24 में जब 7 ऐड करोगे तो 31 आएगा, नीचे 12 ऐसे कैसे आ जाएगा। फिर इन तीनों का हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है, 6 8 और 12, जब इसका एलसीएम लोगे तो आप लोगों को मिलेगा 24। उसके बाद में क्या करना है, इस 24 को हमें क्या करना है, 6 से डिवाइड करना है, कितने टाइम होगा, 4 टाइम डिवाइड होगा। उस 4 को क्या करना है, इस 53 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 50 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो वो कितना आएगा, 200 आ जाएगा। फिर 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा, 200 और 12 को कंबाइंड कर दो, 8 कर दो तो कितना बन जाएगा, 212 बन जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब 24 को 8 से डिवाइड करोगे तो 3 टाइम होगा, और 3 को जब 27 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो कितना आएगा, 81 आएगा। आप लोग मल्टीप्लाई करके अलग से देख लेना, बीच में क्या है, प्लस है तो प्लस आ जाएगा। इस 24 को 12 से डिवाइड करोगे 2 टाइम होगा, और 2 को जब 31 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा। अब यहाँ देखो, अक्सर बच्चे जो गलती करते हैं वो क्या है, वो एडिशन को प्रायोरिटी देके एडिशन पहले करते हैं और इन दोनों को ऐड करने की कोशिश करते हैं। ये एक्चुअल में कभी ऐड होंगे ही, इनको आप लोग डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक्चुअल में किसका है, माइनस का 81 है, तो इसका साइन को भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर हमें एडिशन पहले करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये और ये प्लस के हैं। फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसमें से 81 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, या आप लोग ये कर सकते हो, पहले सब्ट्रैक्ट कर लो, जो भी रिजल्ट आएगा उसमें क्या कर दो, 62 को ऐड कर दो। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, पहले इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, तो इन दोनों को एक साथ लिख देता हूँ मैं, और लास्ट में 81 को वो कर देता हूँ शिफ्ट, और यहाँ पे 24 आ जाएगा। फिर देखो आगे इनको ऐड करते हैं, 2 2 कितना हो जाएगा, 4, 1 और 6 कितना हो जाएगा, 7, और ये वाला 2 ऐसे कैसे चल रहा है, माइनस 81 करना है, डिवाइड बाई 24। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो देखो 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 आएगा, यहाँ पे कितना है, 27, या फिर 7 मान लो, इससे इधर से एक बोरो करोगे 17 हो गया, 17 में से जब 8 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, और यहाँ पे 2 में से एक उधर चल गया था तो 1 बचा, 1 यहाँ आ जाएगा, डिवाइड बाई 24। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना है, तो डिवाइड आप लोग यहाँ करके देख सकते हो, देखो 24 की टेबल बोलना स्टार्ट करो, तो अंदाजे से देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि भाई 10 टाइम में कितना होता है, 240, और हमें कितना चाहिए, 193, तो 8 टाइम करके देख लो, देखो क्या आता है, मल्टीप्लाई 8, 2, 3, 8 टू जा मतलब 4 8 4 जा 32 का 2 आ जाएगा, कैरी कितना आएगा, 3 आएगा, 8 2 जा 16 और 3 190, मतलब 19 आ जाएगा, तो 192 हमारा क्या आ गया, यानी इससे छोटा ही है वो, तो हम बोल सकते हैं 8 टाइम में कितना होगा, 192, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 आएगा। अब क्या करना है हमारे को, जो इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ तो 8 आ जाएगा जितने टाइम डिवाइड हुआ है, रिमाइंडर ऊपर आ जाएगा
और नीचे जिसे डिवाइड किया वो नीचे आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एक बार और हम देख लेते हैं, यहाँ तक हमने बिल्कुल सही किया है, इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। 4-1 करेंगे 3 आएगा, 27-8 करेंगे 19 आएगा, इससे इसे डिवाइड करेंगे सही है हमारा। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल रिजल्ट हो गया, यानी हमारा आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन है, ये रहा देखो, तो इसको भी पहले कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग। 36 प्लस 1 कितना होगा, 37 डिवाइड बाय 6 होगा, बीच में माइनस है, 55 जा 25 और 1 कितना हो जाएगा 26 डिवाइड बाय 5 प्लस 33 जा 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, तो 10 डिवाइड बाय 3। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। फिर आगे क्या करना है, एलसीएम लेना है। जब आप लोग इन तीनों का एलसीएम लोगे तो आपको कितना मिलेगा, 30 मिलेगा। आप लोग निकाल के देख लेना, यही हमारा आंसर आएगा, मतलब एलसीएम आएगा। फिर क्या करना है, 30 को 6 से डिवाइड करना है, 5 टाइम होगा, इस 5 को क्या करना है, 37 से मल्टीप्लाई करना है। तो इधर आप करके देख सकते हो, 57 जा 35 का 5 आएगा, कैरी कितना आएगा 3 आएगा, 53 जा 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, तो कितना आएगा 185, बीच में माइनस है तो माइनस आ जाएगा। इस 30 को क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है, 6 टाइम होगा, 6 को 26 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आएगा, 66 जा 36 आएगा, कैरी कितना आ गया 3 आ गया, और 62 जा 12 आएगा, 12 में 3 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, तो ऐड करने पे कितना आया 156, मतलब मल्टीप्लाई करने पे 156 आ गया, बीच में माइन प्लस है तो प्लस आ जाएगा। फिर इस 30 के अंदर इस 3 से डिवाइड करोगे 10 टाइम होगा, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 100 आएगा। अब आप लोग पहले इसको सेपरेट कर लो, पहले हमने यहाँ क्या किया था, इन दोनों को कंबाइन किया था, आप लोग इसको सेपरेट करके भी आगे कर सकते हो। तो देखो पहले सेपरेट कर लेते हैं कितना आएगा, 185 में से माइनस करना है 156, यहाँ से एक बोरो करेंगे या 15 हो गया, 15 माइनस 6 करेंगे तो 9 आएगा, यहाँ पे 7 बचा, 7 माइनस 5 करेंगे 2 आएगा, यानी 29 आएगा, और प्लस का 100 साथ में चल ही रहा है, डिवाइड बाय 30, जब इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा 129 डिवाइड बाय 30, जब इसको डिवाइड करोगे तो 4 टाइम डिवाइड होगा, 120 आ जाएगा, बचेगा कितना 9 बचेगा, वो ऊपर आ जाएगा और नीचे 30 आ जाएगा। आप लोग चाहो तो इसको थोड़ा सा और सोल्व कर सकते हो, पहले देखो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, ये दोनों अभी क्या हो रहे हैं, 3 से डिवाइड हो रहे हैं, देखो ये 3 से 4 टाइम, ये 3 से 3 टाइम, ये 3 से 10 टाइम, यानी कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद में आप लोगों को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ आप क्या हो जाएगा, 4 टाइम डिवाइड होगा 10 से, बचेगा कितना 3 और नीचे कितना आ जाएगा 10, तो ये क्या हो गया हमारा, फाइनल रिजल्ट हो गया। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन है, इसमें चार नंबर्स को क्या कर, चार फ्रैक्शंस को एक साथ दे दिया, तो चारों में क्या करना है, सेम प्रोसीजर वही होगा, बस चार में पहले तीनों को ऐड करके देख लेंगे इन तीनों को, और फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसमें क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर देंगे। तो देखो नीचे 1 लगा के पहले कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, ये तो 3/1 ही रहेगा, बीच में प्लस है तो प्लस आएगा, 5/1 जा 5 और 1 कितना हो गया 6/5, बीच में प्लस है तो प्लस आएगा, ये ऐसे कैसे आ जाएगा 2/3, माइनस 7/15 भी ऐसे कैसे आ गया। अब इन तीनों का एलसीएम लेंगे, 5, 3 और 15 का जब एलसी और 1 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 15 आएगा, आप लोग लेके देख लेना। 15 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम होगा 15 टाइम होगा, 15 को 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो वो कितना होगा 45, बीच में प्लस है तो प्लस आएगा। इस 15 को इस 5 से डिवाइड करोगे तो 3 टाइम होगा, 3 को जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आएगा, बीच में प्लस है तो प्लस। इस 15 को 3 से डिवाइड करोगे तो 5 टाइम होगा, और 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा, बीच में माइनस है तो माइनस। इस 15 को इस 15 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम होगा, और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 होगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब पहले एडिशन कर लेते हैं, तो देखो 45 और 10 कितना हो जाएगा 55, और 55 में ये वाला 10 ऐड करोगे 65, 65 में इसको हम ब्रेक कर लेते हैं 5+3, तो पहले 65 में 5 ऐड करेंगे तो कितना होगा 70, और 70 में जब हम क्या करेंगे 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 73, माइनस 7 डिवाइड बाय 15, तो देखो क्या बचा, 73 में से 7 माइनस करेंगे 66 बचेगा, नीचे डिवाइड में कितना बचेगा 15 बचेगा। अब ये दोनों देखो ऊपर नीचे 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये 22 टाइम्स हो गया, ये 5 टाइम्स हो गया। उसके बाद में अब इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हो, तो देखो 4 टाइम डिवाइड होगा 20 हो गया, बचा कितना रिमाइंडर 2, उसको ऊपर लिख देंगे और नीचे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को देखते हैं।
अब हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं, इसी के साथ फिर हमारा ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों के लिए तीन वर्ड प्रॉब्लम्स लिखी है, तीनों वर्ड प्रॉब्लम्स को देखते हैं कि किस तरीके से सोल्व किया जाता है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स को पहले सोल्व करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो क्या है कि हमारे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना पड़ेगा। एक बार केयरफुली रीड कर लिया उसके बाद में क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें गिवन है हमें उनको अच्छे से एक बार लिख लो, उसके बाद में उस चीज़ पे फोकस करो कि हमें फाइंड क्या करना है। तो देखो हम यही प्रोसीजर फॉलो करते हैं। देखो यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। व्हाट शुड बी एडेड टू 7 and 3/5 टू गेट 18। अब इसका क्या मतलब है, इसको मैं एक सिंपल क्वेश्चन में बताता हूँ कि 5 हमारे पास एक नंबर है, इसमें ऐसा क्या ऐड करूँ कि मुझे 8 मिल जाए। तो आप लोग सोच पा रहे होंगे इसमें क्या ऐड करने पे 8 मिलेगा, 3। अब यही चीज फ्रैक्शंस की फॉर्म में गिवन है। देखो कि व्हाट शुड बी एडेड टू 7 and 3/5, यानी 7 and 3/5 में हमें क्या ऐड करना है जिससे कि हमें क्या मिल जाए, रिजल्ट 18 मिल जाए। आई होप आप लोग ये चीज़ समझ पा रहे होंगे। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम ये है, यहाँ तो सिंपल नंबर था तो 5 + 3 = 8 सोच पा रहे थे आप, लेकिन यहाँ फ्रैक्शंस है तो फ्रैक्शंस को डायरेक्ट तो हम बता नहीं सकते कि भाई इसको ऐसे ये ऐड करने पे ये आ जाएगा। तो हमें इसको पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तो हमें नंबर नहीं पता कि क्या ऐड करना है, तो हम बोल देते हैं, यहाँ सॉल्यूशन लिखता हूँ मैं कि लेट द नंबर विच शुड बी एडेड, जिसको हमें ऐड करना है, विच शुड बी एडेड बी एक्स। मान लो कि वो नंबर कितना है एक्स, एक्स कोई भी नंबर हो सकता है, अभी हमें इसी के नंबर को तो निकालना है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चले, क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चले, उसने बोला है कि इस नंबर में कुछ ऐसा नंबर ऐड करो जो हमें बताना है कि रिजल्ट कितना आ जाए, 18 आ जाए। तो हमने वो नंबर क्या किया है, मान लिया कि x है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है कि इस वाले नंबर में कुछ ऐड करो, वो नंबर हमने क्या मान रखा है x, जिससे कि रिजल्ट कितना मिल जाए, 18 मिल जाए। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, मैं एक बार वापस एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसमें ऐसा क्या ऐड करूँ जिससे कि जो रिजल्ट आएगा, सम आएगा उनका, वो कितना आ जाए, 18 आ जाए। अब वो हमें नहीं पता, तो हमने मान लिया कि हम इसमें क्या ऐड करेंगे, x। तो 7 and 3/5 में अगर हम x ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 18 मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है हमारे को। अब हमारे को तो x की वैल्यू चाहिए क्योंकि हमारे को यही तो निकालना था कि क्या ऐड करना है। तो देखो आप लोगों को ये बेसिक रूल्स पता होंगे, 6th क्लास में भी थोड़े बहुत सीखे होंगे। जब इधर कोई नंबर पॉजिटिव का होता है तो वो अदर साइड जाके किसका हो जाता है, नेगेटिव का हो जाता है। ऐसे ही नेगेटिव में कोई नंबर है तो अदर साइड जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली इधर से इधर नंबर जाएगा तो साइन बदल जाएगा। ऐसे मल्टीप्लाई में कोई नंबर है तो इधर आके डिवाइड में हो जाता है, और डिवाइड में कोई नंबर है तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाता है। ये अभी के लिए आप लोग साइड में लिख सकते हो ऐसे क्लाउड टाइप का बना के। हम लोग क्या करेंगे, जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उस नाम से एक आप लोगों के चैप्टर आएगा, उस चैप्टर में इस कॉन्सेप्ट को पूरा डिटेल में समझेंगे और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। अभी देखो ये नंबर, इसके आगे कुछ नहीं है यहाँ, और जिस नंबर के आगे कुछ नहीं होता उसको क्या समझा जाता है, पॉजिटिव का। ये पॉजिटिव नंबर है, अदर साइड जाके किसका हो जाएगा, नेगेटिव का, और वहाँ पहले से क्या प्रेजेंट है, 18 प्रेजेंट है। तो इधर तो केवल x बचेगा और प्लस का x बचेगा, तो प्लस लिखने की जरूरत है नहीं, 18 पहले से था इधर, ये इधर प्लस का है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 7 and 3/5। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। हमने क्या किया, ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव क्यों है ये भी आप लोगों को पता होगा कि किसी भी नंबर जैसे 7 है उसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसको हम प्लस का 7 मान के चलते हैं। ये प्लस 7 अदर साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, मतलब प्लस 7/3/5, 7 and 3/5 अदर साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस 7 and 3/5। अब क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है सिंपली, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखो 1, इसके नीचे 1 लगा लिया 18 के नीचे, ये तो ऐसे कैसे चलेगा, ये मिक्स्ड है, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लो, 5 7 जाए कितना होगा, 35 में 3 ऐड करेंगे तो 38 डिवाइड बाय 5। अब आगे क्या करना है, दोनों का एलसीएम लेना है, तो 1 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 5 आएगा। इस 5 को 1 से डिवाइड करोगे 5 टाइम होगा, 5 को जब 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90 आएगा, बीच में माइनस है तो माइनस आ जाएगा। इस 5 को इस 5 से डिवाइड करोगे 1 टाइम होगा, 1 को 38 से मल्टीप्लाई करोगे तो 38 आएगा। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो इधर से एक बोरो करो 10 माइनस 8 होगा कितना, 2। इधर 8 बच गया, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा,
5 आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, नीचे कितना है 5। अब क्या करना है, इसको वापस से मिक्स में कन्वर्ट कर दो, तो इसको इससे डिवाइड करोगे 10 टाइम होगा, बचेगा कितना 2, वो ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 5, यानी कि जो नंबर हमें ऐड करना पड़ेगा वो कितना है 10 and 2/5। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, बस इसमें इस बार सब्ट्रैक्ट करना है उस नंबर को। तो देखो क्या बोला है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 17 and 3/4 टू गेट 11 and 2/3। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करूँ, इसका मतलब ये ऐसा है, जैसे ऐसे समझो 10 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूँ कि मुझे 6 मिल जाए, सोचो। तो 10 में से अगर हम लोग 4 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है कि इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें, ध्यान से देखना, फ्रॉम दिस बोला है, मतलब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसका मतलब है 17 and 3/4 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूँ जिससे हमें रिजल्ट क्या मिल जाए 11 and 2/3। आई होप ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इसका मीनिंग क्या है। अब हम लोग वही करते हैं, मान लेते हैं कि भाई इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे सॉल्यूशन में कि लेट द नंबर विच शुड बी सब्ट्रैक्टेड बी एक्स, मान लो नंबर क्या है एक्स। अब अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो होगा क्या कि इसमें से हमने जब एक्स माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो हमें क्या मिला, ये मिला। यही तो बोल रहा है, देखो कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस, यानी इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें ये लाने के लिए। तो हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने मान लिया कि एक्स सब्ट्रैक्ट करना है, तो 17 and 3/4 माइनस एक्स करोगे तो वो कितना होगा 11 and 2/3 आना चाहिए। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इसको आगे सोल्व कैसे करें, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। तो देखो इधर ये माइनस एक्स है, आप लोग एक काम कर सकते हो, इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि अगर हम 17 and 3/4 में से माइनस करेंगे एक्स तो वो हमें रिजल्ट कितना मिलेगा 11 and 2/3। इसको मैं राइट साइड नहीं लिख के किधर लिख देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, अभी इधर माइनस एक्स है, तो एक काम करते हैं एक्स को हम इधर ले जाते हैं और इस वाले पार्ट को किधर ले जाते हैं, उधर ले जाते हैं। तो मैं देखो पहले माइनस का एक्स है, इस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस एक्स, माइनस का नंबर इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का नंबर हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो माइनस इधर आके प्लस हो गया, तो देखो ये प्लस होगा प्लस एक्स, ये 11 and 2/3 ऐसे कैसे चल रहा था, और इधर क्या है 17 and 3/4 बचा ओनली। फिर आगे सोल्व करें, लेकिन हमें तो एक्स चाहिए, ये 11 and 2/3 इधर किसका है प्लस का, क्योंकि जिसका आगे कुछ नहीं है, तो ये अदर साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो इधर ओनली क्या बचेगा एक्स बचेगा। इधर क्या हो गया, पहले से प्रेजेंट क्या था 17 and 3/4, और ये जो पॉजिटिव नंबर था उधर जाके क्या हो गया माइनस हो जाएगा कितना 11 and 2/3। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी, पहले माइनस एक्स को उधर लेके गया और इस वाले पार्ट को उधर लेके गया। अब यहाँ हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले इसको कन्वर्ट कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 68 होगा, 68 में जब 3 ऐड करोगे तो 71 होगा, डिवाइड बाई 4 होगा, नीचे माइनस है तो माइनस आ जाएगा, ये 33 हुआ, 33 प्लस 2 कितना होगा 35, डिवाइड बाई 3। अब क्या करना है, दोनों का एलसीएम लेना है, तो जब एलसीएम लोगे तो वो निकल के आएगा हमारा 12, इस 12 में 4 से डिवाइड करोगे कितने टाइम होगा 3 टाइम डिवाइड होगा, 3 को 71 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 213, बीच में माइनस है तो माइनस आ जाएगा। इस 12 को 3 से डिवाइड करोगे तो 4 टाइम होगा, 4 को जब 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 140, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, 3 माइनस 0 कितना होगा 3 होगा, 21 में से माइनस करना है 14, तो जब आएगा कितना 7 आएगा, और डिवाइड बाय 12। अब इसको वापस से डिवाइड कर सकते हो, तो कितना होगा 6 टाइम डिवाइड होगा 72, बचेगा कितना 1 बचेगा, नीचे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर, यानी कि अगर हम इस नंबर में से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना तो हमारे को क्या मिलेगा, ये वाला नंबर मिल जाएगा। आप लोग वेरीफाई करके भी देख सकते हो, इस वाले नंबर को इसमें से सब्ट्रैक्ट करके देखो, आप लोगों को देखना फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा 11 and 2/3 मिलेगा। आई होप ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन और है, देखो पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। रोहित एट 4/7 पार्ट ऑफ एन एप्पल एंड हिज सिस्टर रितु एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ इट। दो बहन भाई है, आपस में लड़ रहे हैं कि कौन ज़्यादा खाएगा कौन कम खाएगा। तो उसमें से क्या होता है, रोहित क्या करता है, एक एप्पल है, ठीक है, एक एप्पल, ठीक है,
इस टाइप का कोई एप्पल है, तो एप्पल का क्या करता है रोहित, 4/7 पार्ट कट करके खा लेता है, ऐसा समझ लो। उस एप्पल के हमने टोटल 7 पार्ट्स कर दिए, 7 में से 4 पार्ट्स किसको मिल गए, रोहित को मिल गए। यानी रोहित ने क्या कर लिया, 7 पार्ट्स में से ऐसे हमने स्लाइस कर लेते हैं ना इसकी, देखो आप लोगों ने देखी होगी इस टाइप की जो स्लाइस बनती है, इस टाइप की ऐसी, तो ऐसी टोटल 7 स्लाइस की हमने, उसमें से 4 स्लाइस किसको दे दिए हमने, रोहित को, ठीक है। 4 स्लाइस किसको मिल गई है, रोहित को मिल गई है, और रिमेनिंग जो भी बची होगी 3 स्लाइस वो किसको मिलेगी, उसकी सिस्टर रितु को मिलेगी। तो रोहित 4/7 पार्ट का को खाता है और बाकी के रिमेनिंग पार्ट को कौन खाता है, उसकी सिस्टर रितु खाती है। हु एट मोर एंड बाय हाउ मच, अब हमें क्वेश्चन ये पूछा है कि एक तो किसने सब ज़्यादा खाया, तो ये तो देखो आप लोग देखते ही बता पा रहे होंगे कि अगर हमने 7 पार्ट किए उसमें से 4 पार्ट किसने खाए, रोहित ने खाए, बाकी के 3 पार्ट्स किसने खाए हैं, रितु ने खाए, तो रोहित ने क्या खाए, ज़्यादा पार्ट्स खाए, तो रोहित का ज़्यादा आएगा। लेकिन हमें फिर ये भी पूछा है कि कितना खाया, कितना ज़्यादा खाया, तो हम बोल सकते हैं एक पार्ट क्या खाया उसने, ज़्यादा खाया। तो एक तो तरीका ये है, आप लोग इस तरीके से सोच सकते हो, लेकिन प्रॉपर तरीके से कैसे करेंगे, तो वो देखो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं जो भी चीज़ें हमारे को गिवन है। पार्ट ऑफ एप्पल ईटन बाय रोहित, रोहित ने कितना पार्ट खाया, 4/7 यही खाया था। अब है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एप्पल, अब जो एप्पल था उसका रिमेनिंग पार्ट कितना बच गया, भाई पूरा एप्पल 1 मान लो, उस 1 में से 4/7 पार्ट किसने खा लिया, रोहित ने खा लिया। तो जब आप लोग इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो कितना आएगा, 3/7, आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो मतलब 7 में से 4 पार्ट्स किसने खा लिए, रोहित ने खा लिए, बाकी के 3 पार्ट्स रिमेनिंग बच गए हमारे पास, तो यानी 3/7 पार्ट हमारे पास अभी भी बच गया। अब ये पार्ट जो बचा है वही किसने खाया है, रितु ने खाया, तो हम बोल सकते हैं पार्ट ऑफ एप्पल ईटन बाय रितु वो भी कितना है, 3/7 है। भाई दोनों का मतलब सेम ही तो है कि रोहित ने जो खाया उसके बाद में जो बच गया वो रितु ने खाया, तो बचा हुआ पार्ट 3/7 था, तो रितु ने भी कितना खाया होगा, 3/7 खाया होगा। आई होप ये चीज़ भी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब हमें ये बताना किसने ज़्यादा खाया, तो देखो यहाँ इन दोनों को कंपेयर करो, एक है 4/7 और एक है 3/7। हमने कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस ऑलरेडी कवर कर लिया, आप लोगों ने वो लेक्चर भी नहीं देखा तो वो भी जाके देख सकते हो। उसमें क्या होता था, जब डिनोमिनेटर्स इक्वल होते थे तो न्यूमिरेटर्स को कंपेयर किया जाता था, जिसका न्यूमिरेटर ग्रेटर वो वाला फ्रैक्शन भी ग्रेटर। तो यहाँ पे 7/7 ये तो इक्वल है, न्यूमिरेटर में एक 4 है और एक 3 है, तो 4 ग्रेटर है, तो हम बोलेंगे कि 4/7 वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ग्रेटर। तो हम बोल देंगे कि 4/7 ग्रेटर है 3/7 से। तो 4/7 किसने खाया था, रोहित ने खाया, तो हम क्या बोलेंगे, रोहित एट मोर। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा कि रोहित ने ज़्यादा खाया। अब कितना ज़्यादा खाया है, तो दोनों का डिफरेंस निकाल दो, उतना ही ज़्यादा खाया होगा। जैसे ऐसे समझो, एक ने 5 खाया, एक ने 4 खाया, तो ज़्यादा कितना ज़्यादा खाया, जो 5 वाले ने 4 वाले से एक ज़्यादा खाया, तो वो कैसे मिलेगा, एक हमारे को 5-4 कर दो। तो हम क्या करेंगे, रोहित ने कितना खाया, 4/7, उसमें से माइनस कर दो 3/7, तो यहाँ कितना आएगा, एलसीएम 7 आ जाएगा, ऊपर 4-3 आएगा, माइनस करोगे तो 1/7, यानी 1/7 पार्ट ज़्यादा खाया किसने, रोहित ने, किसके कंपैरिजन में, रितु के कंपैरिजन में। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा, इन तीनों को अच्छे से नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज कर। इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं। और इसके साथ ही अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोगों को कोई कॉन्सेप्ट डिटेल में समझना है, वापस से समझना है, तो वो भी आप हमारे को बता सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर और कॉमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।